मध्य प्रदेश में रीवा में बेकाबू हुई मौसमी बीमारियों में ओपीडी में 3000 के पार। मध्य प्रदेश रीवा जिले में मौसमी बीमारियां कहर बनकर टूट रही हैं। हालत यह है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों का मेला लगा हुआ है और प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिससे मौसमी बीमारियों से ज़्यादा वायरल फीवर, मलेरिया, टाइफाइड बीमारियाँ सामने आ रही हैं। इसके अतिरिक्त दूषित पानी का सेवन करने से डायरिया के मरीज भी ज़्यादा संख्या में मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। मौसमी बीमारियों के कहर का अंदाज़ा इसी बात पर लगाया जा सकता है कि अस्पताल में ओपीडी 3000 के पास पहुंच गई है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भीड़ मेडिसिन और बच्चा वार्ड में देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में बच्चे की मौसमी बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं। लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या से अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई हुई है एवं हालांकि अस्पताल प्रशासन ने काफ़ी संख्या में अधिक चिकित्सक आउटडोर में लगाए हैं जो मरीजों का उपचार कर रहे हैं। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा मध्य प्रदेश से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। क्योंकि काफ़ी भीड़ देखने को मिले, किस तरह के मरीज आ रहे हैं? ये अस्पताल में इस समय ओपीडी में अपनी बहुत ज़्यादा मरीजों की भीड़ है। करीब 2500 से 3000 मरीज हमारे यहाँ आ रहे हैं। ये मौसमी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, इसमें बारिश के कारण मच्छरों का भी प्रकोप बहुत ज़्यादा हो जाता है, वायरल डिजीज़ का भी ये सीज़न है और वाटरबॉर्न डिजीज़ माने पानी की गंदगी के कारण भी बीमारियाँ होती हैं। तो इससे सब मिला करके काफ़ी बीमारियाँ हो जाती हैं। कितने मरीज आ रहे हैं सर प्रतिदिन? लगभग 2500 से 3000। ज़्यादा किस बीमारी से पीड़ित हैं? अब ये सीजनल बीमारियाँ जो वायरल कहलाती हैं, वायरल फीवर और मलेरिया प्लस टाइफाइड, वाटरबॉर्न डिजीज़, डायरिया, डिसेंट्री, ये सब इस तरह से मिला के काफ़ी बीमारियाँ हैं।